सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह की अमेजिंग सी बैनर कैसे बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। सो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस, लेकिन लास्ट तक देखना गाइस, बहुत ही ऑसम होने वाली है। और जिन लोगों को भी ऐसा ऑसम सा बैनर बनवाना है, अगर वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, तो मैं उन लोग के लिए ऐसा ही सेम बैनर बना दूंगा। सो गाइस, बहुत लोग सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट तो सेंड कर देते हैं, बट मुझे फॉलो नहीं करते। सो गाइस, आप लोग को दोनों करना है, उसके बाद ही मैं आप लोग को ऐसा बनाकर दे दूंगा। सो जिन्होंने गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग को अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ जाना है और इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइज, आप लोग को अपना एक लोगो को इंपोर्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से इसे साइड में रिसाइज कर लेना है। जहाँ पर मैं कर रहा हूँ गाइज, आप लोग को भी एग्जैक्ट वहीं पर करना है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सो ये कर लेने के बाद गाइज, आप लोग को ऐड फोटो पर आ जाना है और यहाँ से एक लेंस ब्लर का PNG आप लोग को मिल जाएगा, उसे इंपोर्ट कर लेना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना है और अपने लोगो के पीछे कुछ इस तरह से मूव डाउन कर देना है। सो इतना हो जाने के बाद गाइस, आप लोग को ऐड फोटो पे आ जाना है और एक रेड बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। उसके बाद अपने लोगो के पीछे इसको भी मूव डाउन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस, आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसको कुछ इस तरह से ऐसे इरेज कर देना है, हार्डनेस को फुल रख के। तो उसके बाद गाइज, आप लोग यहाँ से डन कर लेना है और इसके साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना है और इसके ब्लेंड मोड को आप लोग को गाइज मल्टीप्लाई पे कर देना है। सो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो इतना जाने के बाद गाइज, आप लोग को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने जो भी आप लोग का गेमिंग चैनल का नेम होगा, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मॉर्टल ही लिख लेता हूँ गाइज, क्योंकि मेरा लोगो ही मॉर्टल के नेम से था। इसके बाद गाइज, आप लोग को एक फॉन्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको इम्पोर्ट कर लेना है। सो गाइज, अगर आप लोग को जानना है कि मैं ऐसे ऑसम फॉन्ट कैसे डाउनलोड करता हूँ, सो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा गाइज, आप लोग वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज, आप लोग भी इसी तरह इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइज, आप लोग को कलर पे जाना है, ग्रेडियंट पे जाना है और इसको कुछ ग्रे कलर का यहाँ पे ग्रेडियंट दे देना है और स्ट्रोक भी आप लोग को दे देना है रेड कलर का। सो मैं यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रोक दे दिया हूँ। उसके बाद गाइज, आप लोग को यहाँ से इसे डुप्लीकेट बना लेना है और डुप्लीकेट बनाने के बाद गाइज, अभी आप लोग को इसको साइड में कर लेना है और उसी फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज, आप लोग को शैडो दे देना है। मैं यहाँ पे रेड कलर का शैडो दे दिया हूँ गाइज, और इसके ओपेसिटी को 76 और ब्लर को 100 करके दूसरे फॉन्ट को आप लोग को इसके ओवरले कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ओवरले कर लेता हूँ और इसके बाद गाइज, आप लोग को इसको ग्रेडियंट में पूरा ब्लैक कर लेना है और इसके बाद आप लोग को इसके ओपेसिटी को थोड़े से कम कर देना है गाइज। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज, आप लोग को फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऑफिशियल चैनल ऑफ लिख लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, आप लोग भी इसी तरह ऑफिशियल चैनल ऑफ लिख लीजिएगा। सो इतना लिख लेने के बाद गाइज, आप लोग के अपने चैनल के ऊपर यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एडजस्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गाइज, आप लोग भी अपने चैनल के नेम के ऊपर रख कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज, आप लोग को इसे स्ट्रोक दे देना है और फिर आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से ग्रेडियंट को ग्रे कलर दे देना है गाइज। उसके बाद गाइज, आप लोग यहाँ से डन कर लेना है और फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है गाइज, और यहाँ पर आप लोग को गेमिंग लिख लेना है। अगर गाइज आप लोग के चैनल में गेमिंग होगा तो अभी तो ही लिखिएगा गाइज। उसके बाद गाइज, आप लोग को इस फॉन्ट का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से इम्पोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज, आप लोग को इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है थोड़ी सी टिल्ट करके। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो ये हो चुका है गाइज। उसके बाद आप लोग को स्ट्रोक दे देना है गाइज 26 का, और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको भी थोड़ी सी ग्रे कलर की ग्रेडियंट दे देना है। सो इतना हो जाने के बाद गाइज, आप लोग को फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पे आप लोग को एक इंस्टाग्राम का PNG मिल जाएगा, आप लोग को इसको इंपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइज, आप लोग को कुछ अपने गेमिंग के नीचे इस तरह से आप लोग को एडजस्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो
सो एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से कलराइज वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको 360 करके रेड कलर पे डन कर लेना है। उसके बाद गाइज आप लोग को एडजस्टमेंट टूल पे आ जाना है और इसके ब्राइटनेस को कम कर लेना है और इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है गाइज। उसके बाद आप लोग को इसके सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देना है और हाइलाइट्स को भी इंक्रीज करके आप लोग शैडो को डाउन कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दे देना है, तो मैं यहाँ पे @ मॉडल लिख लेता हूँ और उसके उसी फॉन्ट पे चले आता हूँ गाइज जो पहले इंपोर्ट किया था। सो इसके बाद गाइज इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अपने इंस्टाग्राम PNG के सामने। सो आप लोग भी इसी तरह अपने PNG के सामने इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आप लोग को इसको स्ट्रोक दे देना है रेड कलर का और 28 का स्ट्रोक रखना है गाइज। और उसके बाद आप लोग को शैडो वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसके रेड कलर को सेलेक्ट करके इसके ओपेसिटी और ब्लर को इंक्रीज कर देना है। सो अगर गाइज आप लोग यूट्यूब भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सो इतना कर लेने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ से डन कर देना है और यहाँ पे गाइज अपने ड्रॉ टूल के अंदर चले आना है। सो मैं यहाँ पे अपने ड्रॉ टूल के अंदर आ जाता हूँ। उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से लाइन वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है और इसके साइज़ को 4 मेगापिक्सल कर लेना है। उसके बाद गाइज आप लोग को इसके कलर को रेड सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग को कुछ इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी उसी तरह यहाँ से लाइन ड्रॉ एक कर लीजिएगा गाइज। सो इसके बाद गाइज आप लोग को नीचे भी सेम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो ये हो चुका है गाइज। इसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है और फिर से ऐड वाले फोटो पे चले आना है। सो इसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ से एक PNG इंपोर्ट कर लेना है, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक PNG को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइज आप लोग को कुछ इस तरह से इसे रोटेट कर देना है और इसको कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है गाइज। सो एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज आप लोग को इसका डुप्लीकेट बना लेना है और इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। रोटेट कर लेने के बाद गाइज आप लोग को कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर से एक ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और एक और PNG मिलेगा गाइज आप लोग को, उसको इम्पोर्ट कर लेना है। सो यहाँ से इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइज आप लोग को इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके ओवरले पे कर लेना है और इसको कुछ थंडर PNG के पास कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। सो गाइज बस आप लोग यहाँ पे थंडर PNG पे ही एडजस्ट कीजिएगा और कहीं नहीं। सो इसके बाद गाइज आप लोग को एक और बैकग्राउंड को बस इंपोर्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया हूँ गाइज। और इसको बस आप लोग को यहाँ से फिल टू स्क्रीन कर देना है और अगर आप लोग ऊपर में इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं गाइज तो आप लोग इस पर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कलराइज वाले ऑप्शन पे जाके इसके कलर को आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रेड कलर ही कर लेता हूँ। सो गाइज आप लोग को इसका थोड़ी सी डल लग रही होगी, सो आप लोग इसके ब्राइटनेस को इनक्रीज़ करके गाइज और इसके कॉन्ट्रास्ट को भी इनक्रीज़ करके आप लोग कुछ इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। सो इतना हो जाने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है और डन कर लेने के बाद गाइज आप लोग यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सो दैट इट्स फॉर टुडे गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज।